Well, Drokey Drew McIntyre ka sword entrance, it could be a good. तो हे गाइस वेलकम टू द माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉ के मेन इवेंट में क्या देखने को मिला। तो यार रॉ के मेन इवेंट में पहले तो हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच देखने को मिला। वेल जहां पे पहले ड्रू मैकइंटायर एंड फिर बॉबी लैशली हमें देखने को मिलते हैं एंड दोनों सुपरस्टार्स बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मैच हमें शुरुआत देखने को मिलता है एंड बहुत ही अच्छा खासा मैच डिलीवर करते हैं। दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। यहां पे ड्रू मैकइंटायर ओवर दिखते हैं, मतलब ओवर का मतलब ये नहीं कि ज्यादा ओवर हो गए। वेल यहां पे बॉबी लैशली मतलब वो भी मजबूत दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे हियर इज अ थिंग कि सबसे बेस्ट थिंग देखने को मिली कि यहाँ पे मैच हमें थोड़ा भी बोरिंग नहीं लगा। मैच अच्छा खासा डिलीवर कर रहे थे एंड मूव्स पे मूव्स हमें देखने को मिल रहे थे। सो यहाँ पे हमें कहीं पे एक भी थिंग नहीं देखने को मिले कि जहाँ पे हमें यह मैच बोरिंग देखने को मिले। वेल जहाँ पे हमें बोरिंग मैच देखने को मिलने वाला था, जहाँ पे बोरिंग बनते जा रहा था, सो उसी टाइम पे तो हमें सबसे इंटरेस्टिंग थिंग देखने को मिला क्योंकि वहाँ पे हमें देखने को मिले ब्रॉन स्ट्रोमन। या ब्रॉन स्ट्रोमन आया एंड ब्रॉन स्ट्रोमन ने आते ही सबको तबाह करने की कोशिश कर दी। आते ही ड्रू मैकइंटायर के ऊपर अटैक किया ब्रूटली एंड इसके बाद तो बॉबी लैशली से हाथ मिलाने गए एंड हाथ मिलाते ही मिलाते ब्रॉन स्ट्रोमन ने बॉबी लैशली को भी उठा लिया एंड बॉबी लैशली को भी मार दिया पावर स्लैम एंड रनिंग पावर स्लैम वहाँ पे मारा ही मारा। वेल इसके बाद तो नीचे लेके गए एंड उसके बाद बैरिकेड पे भी भाई यार मतलब बैरिकेड पे जो वाला मतलब रनिंग पावर स्लैम मारा ना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग थिंग था। एंड इसके बाद तो रिंग के अंदर आया ड्रू मैकइंटायर को भी दो बार पावर स्लैम मारा। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ से एंड यही एक्सपेक्टेड था। सो यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपना काम बहुत ही बखूबी किया एंड रॉ को अच्छी खासी शो बना दिया। सो वेल आई थिंक बहुत ही अच्छा खासा था। वेल आपके हिसाब से कैसा शो देखने को मिला मेन इवेंट? सो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन देखने को मिला तो वेल आपके हिसाब से जो जैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक डिसलाइक से सब्सक्राइब जो भी करना कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एवरीवन।